इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के शो मैन यानी कि सुभाष घई, जो अपने जन्मदिन पर भी एक ही चीज़ कह रहे हैं, द शो मस्ट गो ऑन। सर, आपको इतना लंबा सफ़र हो गया है बॉलीवुड के अंदर इंडस्ट्री में, आपने हर तरह के बदलाव देखे हैं, तो उस वक्त जब आपने करियर शुरू किया था और आज आपको कितना बदलाव नज़र आता है इंडस्ट्री में? देखिए, मैं जहाँ तक अपने बारे में कहूँ, आज मेरा जन्मदिन है तो मुझे लगता है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था जैसे मैं था वैसा भी हूँ, सिर्फ फ़र्क पड़ा है तो कैलेंडर एज में फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन वही स्ट्रगल, वही संघर्ष, वही चिंताएँ, वही खुशियाँ, वही जॉयज, वही सॉरोज, उसी तरह से नई फिल्म बनाओ, नई कहानी लो, नया माहौल, नए एक्टर्स, नए चैलेंजेस, नए गाने, नए सीन्स, और वही कि भी आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जो चल रहा है वो तो पहले भी ऐसे चल रहा था और अभी भी वैसे चल रहा है, तो उसी तरह से मैं अपनी नई फिल्म में तल्लीन हूँ, बस मशहूर हूँ उसमें, जिसका नाम, फिल्म का नाम कांची है। अक्सर आप अपने जन्मदिन में कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, तो आज भी ऐसा कुछ इंतजार है? यही पहला जन्मदिन होगा जब मैं ना अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ना मैं पार्टी कर रहा हूँ, ना मैंने किसी को बुलाया है। जिसने विश किया वो आ गया, यहाँ पर जप्पी डाल दी, प्यार किया, सब हुआ, सब की दुआएं हैं, सबके SMS आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बस वही काफ़ी है। पर सबको मालूम है कि मैं इस वक्त बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके एक कमरे में बैठा हूँ और अपने कांची को आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम बाई फ्रेम बाई फ्रेम देख रहा हूँ। सर, आज के समय पे अगर देखा जाए तो फिल्म बन जाती है, लेकिन रिलीज डेट के लिए बड़ी ही मारामारी हो जाती है, तो आपने ऐसे कोई डेट फिक्स कर रखी है? तो है, क्योंकि पब्लिक भी चाहती है कि हम स्टारकास्ट की फिल्में जाएं, न्यू कमर की फिल्म ना जाएं। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि लेकिन अगर पिक्चर अच्छी है तो 2.5 घंटे बैठ के आप फिल्म से नज़र ना हटें, फिल्म तो बोएं, है ना? अगर आप फिल्म को में खोए नहीं और फिल्म को सिर्फ देखने लगे तो आप क्या देखेंगे? कारें जा रही हैं, कलरफुल कोट हैं, कलरफुल हेयर स्टाइल है, अच्छा ये एक्टर वो है, वो एक्टर वो है, 2.5 घंटे पास तो हो ही जाते हैं, है ना? वो इवेंट बन चुका है। लेकिन सिनेमा देखने का मज़ा है कि आप महसूस करते हैं कि अगर कांची पहाड़ों में है तो मैं भी पहाड़ में। अगर फिल्म के नाम की बात की जाए, कांची एक अलग सा नाम है, तो कोई खास वजह इस नाम रखने की या क्या मीनिंग होता है? कांची का मतलब तो होता है कि फ्रजाइल ब्यूटी, लेकिन हमारी कांची जो है वो फ्रजाइल ब्यूटी लेकिन अनब्रेकेबल है। एक ऐसा कांच है जो फ्रजाइल भी है लेकिन आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगी नहीं। वो कांची लड़की आज की रिप्रेजेंटेशन है, आज की यूथ की, आज की जो लड़कियां हैं 20-21 साल की, और जो आज यूथ में एंगर हैं या जो उनकी उम्मीदें हैं, जो होप्स हैं, उसकी कहानी है ये। 2014 के नौजवान लड़की की कहानी है जो ज़िंदगी में अकेले ही एक मिशन लेती है और किस तरह से वो वुमेन ऑफ द ईयर बन जाती है।